हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राशि जांगीर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सेशन मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। तो चलें अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं यूज़र्स के फोल्डर में जाऊँगा और साइन इन के पेज को ओपन करूँगा। अब यहाँ पे बटन जो यूज़ हो रहा है BTN लॉगिन, इससे नीचे मैंने यहाँ पे एक लाइन ब्रेक करनी है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ब्रेक करूँगा और लाइन ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मैं एक डिव बनाता हूँ और इस डिव को मैं ID असाइन करता हूँ एरर मैसेज, और इसको मैं रन एट सर्वर करता हूँ क्योंकि मुझे इस डिव को एक्सेस करना है सर्वर साइड पे। और मैंने इसको स्टाइल दिया कि मार्जिन टॉप जो इसका ऊपर से बटन से मार्जिन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 10 पिक्सल होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर जो बटन क्लिक का है वहाँ पे मैंने इमेज क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं इस पे डबल क्लिक करूँगा तो इस बटन के पीछे क्या होगा, एक इमेज क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने देखना हो तो यहाँ पे मैं इसके सोर्स कोड में जाता हूँ तो यहाँ पे ऑन क्लिक के इमेज पे यहाँ पे एक हमारे पास इमेज क्रिएट हो गया है। तो अब यहाँ पे हमने 2 टेक्स्ट बॉक्स के IDs यहाँ पे माइंड में रखने हैं क्योंकि हमने इसको सर्वर साइड पर एक्सेस करना है। तो यहाँ पर मैं सर्वर साइड कोड पर जाऊँगा और यहाँ पर सबसे पहले मैं जो हमारे पास पासवर्ड होगा उसको इनक्रिप्ट कर लूँगा। तो जो पासवर्ड था वो किस टेक्स्ट बॉक्स में था, ईमेल पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, तो मैंने इसको इनक्रिप्ट कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्यूरी लिखता हूँ, सेलेक्ट ID और यूज़र नेम, ईमेल और पिक्चर, और इसके बाद यहाँ पे रोल ID। अब यहाँ पे मैंने 5 जो है वो कॉलम सेलेक्ट किए हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैं एक वेयर क्लास यूज़ करता हूँ, वेयर ईमेल इज़ इक्वल टू ईमेल एड्रेस डॉट टेक्स्ट। ये हमारे पास क्या है, टेक्स्ट बॉक्स का नाम है। अब क्योंकि हमारे पास जो ईमेल का कॉलम था वो क्या था, वारचार टाइप का था, तो इस वजह से मैंने इससे पहले क्या किया है, सिंगल कोट्स यूज़ किए हैं। और इसी तरह हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, एंड पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड। ये जो हमारे पास पासवर्ड है ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में है जो हमने फर्स्ट लाइन में इनक्रिप्ट किया है। अब क्योंकि हमने इस क्यूरी को मल्टीपल लाइन पर लिखा है तो इस वजह से ये क्या है, इसको मैंने @ कर लिया है। अब इसके बाद इस क्यूरी को मैंने एग्जीक्यूट किया, तो इसके लिए मैंने एक जो हमारे पास यूज़र डिफाइन फंक्शन था उसको मैंने कॉल किया, रीड फ्रॉम SQL, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ किया है। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग HTML और इसको मैं एम्प्टी असाइन करता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे अगर एक्सेप्शन आ जाती है तो यहाँ पर मैं एक मैसेज प्रिंट करवाता हूँ, सिस्टम इंटरनल एरर अकर्ड। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज लिखा और इसके बाद मैंने कहा था कि जब भी हमने कोई मैसेज प्रिंट करवाना होगा तो हमने एक हेल्पर की क्लास में 2 फंक्शन लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने जनरेट एरर मैसेज उसको कॉल किया और ये मैसेज मैंने प्रिंट करवा दिया। और उसके बाद यहाँ पे मैं जो डिव बनाया था एरर मैसेज का उसको उसके अंदर क्या मैंने किया, यहाँ पर इस मैसेज को प्रिंट करवा दिया। अब अगर यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं आती तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने इस जो DT है हमारे पास इसके अंदर हमारे पास रोज़ आई हुई हैं या हमारे पास डाटा आया हुआ है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले कंडीशन चेक की कि अगर तो हमारे पास डाटा एक्सट्रैक्ट हो गया या फैच हो गया है तो हमारे पास इसका मतलब यह है कि वैलिड ईमेल एड्रेस है। अगर डाटा फैच नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इनवैलिड ईमेल या पासवर्ड है। तो यहाँ पे मैं अगर इनवैलिड ईमेल पासवर्ड होगा तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे एरर मैसेज जनरेट करवाऊँगा जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन के केस में जनरेट करवाया था। तो यहाँ पे ये मैसेज जनरेट हो गया। अगर हमारे पास ये डाटा मैच हो जाता है तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, पिक्चर को सेव करवा लेना है। तो पिक्चर के लिए मैं यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का पाथ मैप करूँगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास एप्लीकेशन का पाथ होगा और उसके अंदर हमारे पास फोल्डर है स्टोर इमेजेस, तो यहाँ तक मैंने पाथ को मैप कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, फाइल नेम, और ये फाइल नेम हमारे पास क्या है, डेटाबेस में स्टोर है। तो यहाँ पे मैं जो पिक्चर का कॉलम है उसको यहाँ पे एक्सेस करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो रो 0 में जो फील्ड पड़ा होगा पिक्चर का वो वैल्यू यहाँ पे मैंने एक्सेस की और इसको मैंने किस में स्टोर करवा लिया, फाइल नेम में स्टोर करवा लिया। तो अब यहाँ पे हमारे पास पाथ भी आ गया और फाइल नेम भी आ गई। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस पाथ को कंकैटिनेट कर लूँगा या कंबाइन कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने पाथ का वेरिएबल पास किया और दूसरा पैरामीटर मैंने क्या पास किया, यहाँ पे फाइल नेम पास किया। तो यहाँ पे हमारे पास उस फोल्डर तक यानी कि स्टोर इमेजेस के फोल्डर तक यहाँ पे हम पाथ को मैप कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने रोल भी एक्सेस कर लिया कि आया कि हमारे पास नॉर्मल यूज़र लॉगिन हो रहा है या हमारे पास क्या यहाँ पे एडमिन लॉगिन हो रहा है या HOD लॉगिन हो रहा है। तो वो यहाँ पे रोल आईडी मैंने एक्सेस कर लिया। तो यहाँ पे मैंने चेक किया कि अगर तो हमारे पास एडमिन है तो उसके लिए रोल आईडी 1 होगा, अगर हमारे पास यहाँ पे एचओडी है तो उसके लिए हमारे पास रोल आईडी 2 होगा, और अदरवाइज़ हमारे पास अगर नॉर्मल यूज़र है तो उसके लिए रोल आईडी क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा ली कि रोल आईडी अगर 1 हो तो हमने किस पेज पे जाना है। तो यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन लिखी कि अगर रोल आईडी 1 हो तो यानी कि इसका मतलब है एडमिन लॉगिन हो रहा है। तो अगर एडमिन लॉगिन हो रहा है तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऐड एटम्स के पेज पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसको ऐड एटम्स का पाथ दे दिया। और उसके बाद यहाँ पे अगर यहाँ पे हमारे पास एचओडी लॉगिन हो तो यहाँ पे मैं क्या किस पेज पे जाऊँगा, माई एटम्स। और इसी तरह अगर नॉर्मल यूज़र हो तो यहाँ पे मैं माई एटम्स के पेज पे जाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया जो कि हर एक पेज पे एक्सेसिबल होगा। तो यहाँ पे इस पाथ को मैंने एप्लीकेशन टाइप के वेरिएबल में यानी कि एक ऐसे वेरिएबल में स्टोर करवाया जिसका स्कोप क्या है, एप्लीकेशन है, तो उसमें स्टोर करवा लिया। और उसके बाद यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करने से पहले मैंने यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट इंसर्ट करवाया। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसमें ईमेल देता हूँ। यहाँ पे तो ईमेल हमारे पास नहीं है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे जाऊँगा, एक एम्प्लाई ऐड करवाऊँगा। तो यहाँ पे मैं एम्प्लाइज़ ऐड के पेज पे गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इमेज सेलेक्ट की और उसके बाद यहाँ पे हमने डाटा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे फ़ोन नंबर, मेल, और उसके बाद यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, उसके बाद डेजिग्नेशन सेलेक्ट किया। तो अब यहाँ पे मैंने क्योंकि इसको एडमिन बनाना है तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको परचेज ऑफिसर और डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ईमेल दी और उसके बाद इसको मैंने रोल टाइप क्या दिया, एडमिन दिया। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एम्प्लाई ऐड हो गया, यानी कि हमने एक एडमिन ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि हमारे पास ईमेल आई है या नहीं। तो यहाँ पे मैं इस ईमेल एड्रेस को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास पहली जो ईमेल है यहाँ पे हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड आ गया है। अब यहाँ पे मैं साइन इन करता हूँ इसको। तो यहाँ पे मैं इसमें पहले ईमेल लिखूँगा और ईमेल लिखने के बाद यहाँ पे मैं पासवर्ड लिखूँगा। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास इसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड इनक्रिप्ट हो गया और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्यूरी भी बन गई। तो यहाँ पे हमारे पास क्यूरी आ गई और पासवर्ड भी इनक्रिप्ट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि इसको एक और मैं स्टेप ओवर करता हूँ। तो इसका मतलब है यहाँ पर डाटा को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर देखें कि हमने फ़ोल्डर का नाम नहीं दिया था। तो यहाँ पे मैं वापस आता हूँ कि डाटा तो रीड हो गया है लेकिन हमने फ़ोल्डर का नाम नहीं दिया था। तो यहाँ पे हमने इससे पहले फ़ोल्डर का नाम देना है। तो यहाँ पे मैं फ़ोल्डर का नाम दूंगा एम्प्लाइज़, और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसमें ये जो पेज है ये किस फोल्डर में पड़ा है, फैकल्टी के फ़ोल्डर में। और इसी तरह यहाँ पर थर्ड केस में भी मैं क्या करूँगा, फैकल्टी का फ़ोल्डर दूँगा। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ और स्टॉप करके यहाँ पे एक्चुअल में एटम्स के फ़ोल्डर में पड़ा था। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो पेज है ऐड एटम का वो एटम्स के फ़ोल्डर में पड़ा है। अब इसको मैं स्टॉप करता हूँ और स्टॉप करके दोबारा से एग्जीक्यूट किया इसको मैंने। तो यहाँ पे साइन इन और इसके बाद यहाँ पे पेज एग्जीक्यूट हो गया। तो यहाँ पर यूज़र ईमेल दिया और पासवर्ड दिया। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास एडमिन लॉगिन हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास ऐड एटम्स के पेज पे आ गए। अब इसके बाद यहाँ पे मैं कोई यहाँ पे इनवैलिड देता हूँ ईमेल पासवर्ड। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास कह रहा है कि आपका ईमेल पासवर्ड इनवैलिड है। अब इस पे मैं यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करता हूँ। तो ये क्या हो रहा है कि वर्क नहीं कर रहा। तो अब यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पर ऐड न्यू फॉर्म के पेज से ये स्क्रिप्ट कॉपी करता हूँ और यहाँ पर साइन इन के पेज पर आके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूं। तो यहाँ पे मैंने हेड सेक्शन में इस फंक्शन को क्या किया, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं स्लाइड आपकी जगह मैं यहाँ पे हाइड यूज़ कर लेता हूँ फंक्शन। और इसके बाद यहाँ पे मैं एडमिन मास्टर के पेज में भी यही फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ हाइड का। अब ये जो हमारे पास इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूँगा। अब इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। तो ये क्या हो गया, क्लोज़ हो गया। अब यहाँ पर देखें कि ये जो हमारे पास अलर्ट मैसेज है या एरर मैसेज है ये क्या हो रहा है, वर्क कर रहा है। अब इसके बाद देखिए मैंने पासवर्ड नहीं दिया और लॉगिन हुए बगैर ही मैं यहाँ पे अगर दूसरे पेज पे जाता हूँ तो लॉगिन हुए बगैर ही मुझे क्या कर रहा है, ये नेक्स्ट पेज पे जाने दे रहा है। तो अब यहाँ पे हमने ये चेक लगाना है कि अगर यूज़र लॉगिन ना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसको नए पेज पे जाने नहीं देंगे। पहले लॉगिन होगा तो वो फिर ही अगले पेज पे जा सकता है, इसके अलावा नहीं जा सकता। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने जो ईमेल एड्रेस है वो सेशन में स्टोर करवाया है, और इसी तरह मैंने यहाँ पे यूज़र नेम या यूज़र आईडी जो है वो भी मैंने क्या किया है यहाँ पे सेशन जो हमारे पास है वो भी सेशन में स्टोर करवा लिया है। और इसी तरह मैंने क्या किया कि जो रोल आईडी है वो भी मैंने सेशन में स्टोर करवा लिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो तीनों वेरिएबल्स थे, ईमेल, यूज़र आईडी और रोल आईडी, वो तीनों मैंने यहाँ पे सेशन में स्टोर करवा लिए। तो अब यहाँ पे जब तीनों सेशन में आ गए तो जब मैं पेज लोड के इवेंट पे जाऊँगा तो हर पेज लोड के इवेंट पे मैं चेक करूँगा कि कहीं ये सेशन नल तो नहीं है। तो अब यहाँ पर मैं आता हूँ साइन इन के पेज में, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ response.cache.set नो स्टोर। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये जो यूज़र नेम पासवर्ड होगा वो कैशे में स्टोर नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास सेशन ईमेल, पहले मैं चेक करता हूँ कि ऑलरेडी लॉगिन है या नहीं है। तो अगर हमारे पास सेशन ईमेल इज़ नॉट इक्वल टू नल तो इट्स मीन कि वो लॉगिन है। अगर ये सेशन नल होता है तो इसका मतलब है कि वो लॉगिन नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर मैं पहले चेक करता हूँ कि यहाँ पर सेशन ईमेल नल नहीं है और उसका रोल आई डी 1 है, और इस तो इसका मतलब है क्या है कि वो एडमिन है। अदरवाइज़ मैं क्या करता हूँ कि एल्स इफ यहाँ पे मैं चेक लगाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे एल्स इफ के केस में आके मैं लिखूँगा एल्स इफ सेशन यहाँ पे ईमेल इज़ नॉट इक्वल टू नल, और इसके बाद यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि ये जो हमारे पास रोल आई डी है, इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा कि रोल आई डी इज़ इक्वल टू 2 और रोल आई डी इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ पे पहले केस में हमने चेक किया था कि वो एडमिन हो, और दूसरे केस में हमने चेक किया है कि वो एचओडी हो या हमारे पास क्या हो, नॉर्मल यूज़र हो। तो यहाँ पे हमने 2 केस लिख लिए हैं। तो अब यहाँ पर अगर वो लॉगिन हुआ है तो इसका मतलब है कि वो किस पेज पर जाएगा, हमारे पास एटम्स और एड एटम्स डॉट ASPX, उस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। और अदरवाइज़ हमारे पास अगर ये एडमन नहीं है तो हमारे पास किस पेज पे चला जाएगा, माई एटम्स डॉट ASPX, और ये किस फोल्डर में पड़ा है, फैकल्टी के फोल्डर में पड़ा है। तो अब इसको मैं सेव करता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास जो ये सेशन है इसकी जो टाइप थी हमारे पास क्या थी, ये इंटीजर थी। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या कर लिया है, इंटीजर 32 कर लिया है। तो अब यहाँ पर हमारे पास इनकी मैंने टाइप चेंज कर ली। अब इसको मैं सेव करता हूँ और इसको सेव करके मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि अब यहाँ पे मैंने इसको पासवर्ड दिया और यहाँ पे ईमेल दिया, तो यहाँ पे देखेंगे लॉगिन हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं साइन इन के पेज पे जाता हूँ दोबारा से। तो अब यहाँ पे देखेंगे साइन इन के पेज पे दोबारा मुझे वापस नहीं जाने दे रहा कि पहले आप साइन आउट हों और उसके बाद ही आप क्या करेंगे, साइन इन के पेज पर जाएँगे। तो अब यहाँ पर मैं साइन आउट के फंक्शनैलिटी लिखता हूं। तो यहां पे मैं एडमन मास्टर के पेज पे जाऊंगा, और यहां पे जो हमारे पास ये जो लॉग आउट मॉडल है इसको मैं यहां से डिलीट कर दूंगा। तो यहां पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, और सिलेक्ट करने के बाद इस सारे मॉडल को मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। और इसके बाद यहाँ पर मैंने नीचे एक बटन यूज़ किया था लॉग आउट, तो यहाँ पर मैं इस जो हमारे पास हाइपर लिंक बना हुआ है इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, और इसकी जगह मैं HTML बटन यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं बटन यूज़ करूँगा, और इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा। कहाँ पे, यहाँ पे क्लोज़ कर दूँगा बटन को, और यहाँ पे मैं आईडी साइन करूँगा BTN लॉग आउट, और इसके बाद यहाँ पे मैं रन नेट सर्वर, और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको क्लास साइन कर देता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप डाउन आइटम, और इसके बाद यहाँ पे सर्वर क्लिक पे यहाँ पर मैंने एक इमेज क्रिएट कर लिया। तो अब यहाँ पर मैं CS फाइल में जाऊँगा, तो यहाँ पे हमारे पास एक इवेंट क्रिएट किया होगा। तो अब इस इवेंट में आके मैंने जो सेशन साइन इन के वक्त वैल्यू स्टोर करवाई थी सेशन में, अब यहाँ पे साइन आउट के वक्त या लॉग आउट के वक्त यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उन सेशन को क्या कर दूँगा, नल कर दूँगा, या उन सेशन को मैं क्या करूँगा, किल कर दूँगा। तो यहाँ पे मैंने उन सेशन को पहले नल किया, और उसके बाद यहाँ पर उन सारे सेशन को मैंने यहाँ पर अबैंडन कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर मैंने रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कहाँ पर कर दिया, यहाँ पे साइन इन के पेज पे। तो यहाँ पे सेशन नल हो गया, और उसके बाद यहाँ पे पेज पे किस पे चला जाएगा, साइन इन के पेज पे चला जाएगा। अब यहाँ पे मैं दोबारा से इसको सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे आप यूज़र नेम देंगे और उसके बाद ईमेल देंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास या आगे आप लॉग आउट करते हैं तो अब यहाँ पे देखें कि ये वापस जा रहा है। लॉग आउट होने के बावजूद भी क्या हो रहा है कि ये वापस ऐड एटम्स के पेज पे जा रहा है। तो अब यहाँ पे हमने आना है और इसके बाद यहाँ पे जो ऐड एटम्स हैं उसके पेज पे जाके हमने सेशन को चेक करना है। तो अब यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे इस पेज लोड के इवेंट पे हम चेक करेंगे कि कहीं सेशन नल तो नहीं है। अगर सेशन नल होगा तो इसका मतलब है हमने इस पेज पे इसको नहीं आने देना। तो इसका मैं ये कंडीशन चेक करूँगा कि अगर सेशन नल नहीं है तो इस पेज पे आने दें, अगर इस ये सेशन नल है तो इसका मतलब है कि इस पेज पे नहीं आने दें। तो अब यहाँ पे मैंने चेक लगाया कि ईमेल इज़ नॉट इक्वल टू नल और जो रोल आईडी है वो 1 हो यानी एडमन हो तो सिर्फ उसी को इजाज़त है कि वो इस पेज को विज़िट कर सके। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, उसको कहेंगे कि वापस किधर जाएँ, आप साइन इन के पेज पे जाएं, वहाँ पे लॉगिन हो और लॉगिन होने के बाद इस पेज पे आएं। तो एल्स केस में मैंने साइन इन का पेज का लिंक दे दिया और यहाँ पे पहले केस में मैंने यहाँ पे अभी इसको चेक किया कि सेशन नल है या नहीं है। अब इसको मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि मैंने यूज़र नेम पासवर्ड दिया और इसके बाद लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पे लॉगिन हो गया। अब लॉग आउट किया और उसके बाद मैं यहाँ पे वापस जा रहा हूँ तो मुझे क्या करने दे रहा है, वापस उस पेज पे नहीं जाने दे रहा। तो अब यहाँ पे हमने साइन इन भी बना लिया यानी कि लॉग इन भी बना लिया और लॉग आउट भी बना लिया। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम यूज़र चेंज, अब यहाँ पे हम चेंज पासवर्ड के लिए कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेज लोड के जो हमारे पास इवेंट हैं ये सारी कोड मैंने कॉपी की और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास यूज़र्स के फ़ोल्डर में यूज़र पासवर्ड रीसेट का पेज है। यहाँ पे मैं आता हूँ और यही कोड मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये भी हमारे पास चेक करेगा इस पेज पे कि हमारे पास ईमेल नल तो नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे बटन क्लिक के इवेंट पे यहाँ पे मैं जो हमारे पास पुराना पासवर्ड था और जो नया पासवर्ड है उन दोनों को मैं यहाँ पे एक्सेस करता हूँ और उसको मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे मेरे पास जो आईडी हैं वो क्या हैं, txt ओल्ड और txt न्यू हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी CS फाइल में जाऊँगा और txt ओल्ड डॉट वैल्यू और इसको मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे इनक्रिप्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्लास थी इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट और इसका जो फंक्शन था हमारे पास इनक्रिप्ट था उसको मैंने कॉल किया और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ये ओल्ड पासवर्ड आ गया। इसी तरह मैंने यहाँ पे न्यू पासवर्ड को भी क्या किया, यहाँ पे इनक्रिप्ट कर लिया। अब जब हमारे पास दोनों पासवर्ड आ गए, ओल्ड भी आ गया और न्यू भी आ गया, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखना है। तो यहाँ पे मैं हेल्पर की क्लास में जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं हेल्पर की क्लास में गया तो यहाँ पे मैं अपना एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखता हूँ और इसकी रिटर्न टाइप मैंने क्या लिखी, बुलियन, और इसको मैंने फंक्शन का नाम दिया चेंज पासवर्ड। और इसके अंदर मैंने 3 पैरामीटर पास किए, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और ईमेल। तो यहाँ पे जिस ईमेल के अगेंस्ट हम पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं उस ईमेल को हम यहाँ पे एज ए पैरामीटर पास करेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्यूरी लिखनी है तो यहाँ पे मैंने क्यूरी लिखी अपडेट की, कि जहाँ पे न्यू है यहाँ पे अपडेट की क्यूरी लिखी मैंने, अपडेट इम्प्लाइज, और यहाँ पे जो सेट करना है पासवर्ड वो कौन सा सेट करना है, जो न्यू वाला पासवर्ड है। तो यहाँ पे मैं न्यू पासवर्ड जो हमारे पास वेरिएबल पैरामीटर में पास हो रहा था वो दे दिया। और यहाँ पे मैंने वेयर क्लास यूज़ की, वेयर पासवर्ड इज इक्वल टू जो पुराना पासवर्ड है और जो ईमेल है हमारे पास, यहाँ पे एंड क्लास यूज़ करूँगा, एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एंड ईमेल इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जो पैरामीटर हमने पास किया है ईमेल का तो वहाँ पे आ जाएगा ईमेल। तो जहाँ पे हमारे पास पुराना पासवर्ड आएगा उसकी जगह हमारे पास हम अपडेट कर देंगे उसको न्यू पासवर्ड से। तो अब यहाँ पे हमने इस कमांड को या इस क्यूरी को हमने क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे अगर कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो हम फाल्स रिटर्न करवाएंगे और अगर हमारे पास यहाँ पे क्यूरी अपडेट हो जाती है या एग्जीक्यूट हो जाती है तो अब यहाँ पे हमने इसको रिटर्न करवा देना है। तो यहाँ पे हमने क्यूरी एज ए पैरामीटर पास करवा दी। अब यहाँ पे मैं आता हूँ इस फंक्शन को कॉल करता हूँ जो मैंने अभी लिखा है। तो हेल्पर डॉट यहाँ पे हमारे पास चेंज पासवर्ड और इसमें 3 पैरामीटर पास हो रहे थे, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और ईमेल। तो यहाँ पे ईमेल हमने क्या कि इसमें स्टोर करवाया था, सेशन में स्टोर करवाया था। तो यहाँ पे सेशन के थ्रू मैं क्या करता हूँ उस ईमेल को एक्सेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास सेशन के थ्रू उस ईमेल को एक्सेस किया और यहाँ पे एज ए पैरामीटर पास कर दिया। अब यहाँ पे मैंने चेक किया कि अगर रिज़ल्ट हमारे पास ट्रू है तो इसका मतलब है कि हमारे पास पासवर्ड चेंज हो गया है, अदरवाइज़ हमारे पास क्या है कि पासवर्ड चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे अगर पासवर्ड चेंज नहीं हुआ तो मैं एरर मैसेज में एक मैसेज प्रिंट करवाऊँगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि योर ओल्ड पासवर्ड इज़ या करंट पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे सक्सेसफुली पासवर्ड चेंज हो गया है तो यहाँ पे मैं एरर मैसेज के अंदर यहाँ पे मैं एक सक्सेस मैसेज प्रिंट करवाऊँगा और इसको मैंने यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा दिया, पासवर्ड इज़ चेंज्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों केस में हमने मैसेज प्रिंट करवा दिए और इसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यूज़ होंगी हम क्या करेंगे उसको नल कर देंगे। तो इसी तरह हम सेशन को भी क्या कर देंगे, नल कर देंगे और उसको दोबारा से लॉगिन होना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि मैंने इस पेज के लोड पे पहले चेक लगाया था कि चेक करें कि कहीं ईमेल नल तो नहीं है, अगर ईमेल नल है तो अब इसको किस पे रीडायरेक्ट कर देगा, साइन इन पे रीडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे मैं इसको चेंज पासवर्ड पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं अपना पुराना पासवर्ड लिखता हूँ और नया पासवर्ड लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो गया है। तो अब यहाँ पे इसका कलर हम चेंज करते हैं। तो एक्चुअल में हमने यहाँ पे डेंजर और इसकी एक क्लास है सक्सेस की, हम वो यूज़ कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि सक्सेस मैसेज ऐसे प्रिंट होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ हेल्पर में, तो जहाँ पे सक्सेस है तो यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया क्लास को। तो अब यहाँ पे हमारे पास जब ये मैसेज प्रिंट होगा तो ये ऐसे प्रिंट होगा। अब यहाँ पे दोबारा से हम एक दफ़ा पासवर्ड को चेंज करते हैं 1 2 3 और 1 2 3। तो अब यहाँ पे एक्चुअल में हमने सर्वर साइड कोड पे चेंज किया है तो हमें इसको स्टॉप करना पड़ेगा। मैंने अब, क्योंकि अगर सर्वर साइड कोड पे चेंज होगा तो आपको दोबारा से सर्वर साइड कोड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे दोबारा से मैंने इसको क्या किया, ईमेल और पासवर्ड दिया और इसके बाद यहाँ पे मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको 1 2 3 देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो सक्सेस मैसेज है वो ऐसे प्रिंट हुआ है। अब इसके बाद मैं दोबारा से लॉगिन हुआ और इसके बाद यहाँ पे मैं ये देखें कि ऐड आइटम्स या कैटेगरीज़ के केस में यहाँ पे हमने डेटाबेस में वैल्यूज़ सेव करवानी है। तो अब यहाँ पे यही वाला कोड मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ और डेटाबेस के पेज में आके मैं यहाँ पे पेज लोड के इवेंट पे यही वाला कोड मैं क्या करूँगा, हर पेज पे पेस्ट करूँगा। तो अब यहाँ पे कोड पेस्ट कर दिया और उसके बाद यहाँ पे मैं एक इवेंट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैंने इवेंट्स के पे गया और यहाँ पे सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज के केस में मैंने एक इवेंट बनाया और इसमें मैंने यहाँ पे एक वैल्यू गेट की ड्रॉप डाउन लिस्ट से। तो उस ड्रॉप डाउन लिस्ट का नाम है DD_type.SelectedItem.ToString। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को हमने क्या किया, एम्प्टी लिया। अब हमने चेक करना है कि वो क्या चीज़ डेटाबेस में स्टोर करवाना चाह रहा है, आइटम स्टोर करवाना चाह रहा है, डिपार्टमेंट स्टोर करवाना चाह रहा है, कैटेगरी स्टोर करवाना चाह रहा है या डेजिग्नेशन स्टोर करवाना चाह रहा है। तो पहला चेक हमने लगाया कि अगर तो वो कैटेगरी ऐड करवाना चाह रहा है तो हम क्या करेंगे, एक जो रो है हमारे पास उसको डिस्प्ले क्या कर देंगे नन, यानी कि कैटेगरी को हाइड कर देंगे और उसकी हाइट को हम क्या करेंगे 60 पिक्सल। और इसके बाद यहाँ पे हम जो लेबल नेम डॉट इनर HTML है उसको क्या कहेंगे, एंटर एटम कैटेगरी। तो यहाँ पे हम कैटेगरी एंटर करने की इजाज़त देंगे। तो अगर हमारे पास वो कहेगी जी मुझे कैटेगरी ऐड नहीं करनी, हमने क्या ऐड करना है, एटम्स टाइप ऐड करनी है। तो उसके लिए हम इसी कोड को कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने जो दूसरी ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी उसको हमने क्या करना है, विजिबल कर देना है। तो यहाँ पे हमने विजिबिलिटी विजिबल कर दी और इस यहाँ पे मैंने कहा कि एंटर एटम टाइप। अब यहाँ पे हमने डेटाबेस से वैल्यूज़ उठानी है तो हम इसके लिए एक अलग क्लास बनाते हैं और उस क्लास में हम अपना एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लास बनाई helperatoms.cs और इसके अंदर आके मैं अपना एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक और यहाँ पे मैंने इसकी जो रिटर्न टाइप लिखी वाइल्ड लिखी और इसको मैंने फंक्शन का नाम दे दिया गेट कैटेगरीज और इसमें मैंने एक नेम स्पेस ऐड कर ली system.web.ui.webcontrols और इसके अंदर मैंने जो पैरामीटर पास किया वो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट पास की। तो उस ड्रॉप डाउन लिस्ट का नाम मैंने रखा है कैटेगरीज, और इसमें मैं यहाँ पे क्यूरी लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा स्ट्रिंग क्यूरी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्यूरी लिखी सिलेक्ट आईडी वाव कैटेगरी नेम। अब यहाँ पे कॉलम्स के नाम हमने मैच करने हैं, तो यहाँ पे मैं क्या, और यहाँ पे मैंने टेबल्स को एक्सपेंड किया, तो यहाँ पे एटम्स कैटेगरी और यहाँ पे हमारे पास जो कैटेगरी नेम है ये कॉलम का नेम है। तो यहाँ पे हमने एन कैपिटल करना है और यहाँ पे हमने टेबल्स का नाम रखना है एटम्स कैटेगरी। और यहाँ पे क्यूरी लिखने के बाद यहाँ पे हमने ट्राई कैच ब्लॉक लिखा, और ट्राई कैच ब्लॉक में हमने यहाँ पे एक्सेप्शन जो है वो अगर आ जाती है तो हमने उस एक्सेप्शन को क्या करना है, जनरेट कर देना है। तो यहाँ पे मैं थ्रो करूँगा एक्सेप्शन, और उसके बाद अगर हमारे पास एक्सेप्शन नहीं आती तो अब हमने क्या करना है, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे डाटा टेबल इज़ इक्वल टू डी टी इज़ इक्वल टू, जहाँ पे हमने ऑलरेडी फंक्शन बनाया हुआ था रीड फ्रॉम एसक्यूएल, तो उसके अंदर हमने क्यूरी पास की, और इसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास डाटा रीड हो जाएगा उसको हमने किसके साथ बाइंड करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ। तो अब मैंने क्या किया कि इस डाटा को ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ बाइंड कर लिया, और इसको जो मैंने टेक्स्ट फील्ड दिया वो कैटेगरी नेम दिया, और जो वैल्यू फील्ड दिया वो उसको आईडी दिया। तो हमारे पास दोनों जो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड भी बाइंड हो गया और वैल्यू फील्ड भी बाइंड हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको डाटा को बाइंड कर देता हूँ। तो ये हमारे पास रन टाइम पे क्या होगा, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाटा बाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे वापस आता हूँ उस पेज पे और इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ हेल्पर एटम्स डॉट गेट कैटेगरीज, और इसमें मैंने क्या पास किया है, ड्रॉप डाउन लिस्ट पास किया है। और यहाँ पे तीसरे केस में हमारे पास क्या है कि एटम्स कैटेगरी, दूसरे केस में एटम टाइप, तीसरे केस में है एड डिपार्टमेंट, और चौथे केस में हमारे पास है डेजिग्नेशन। तो अब यहाँ पे हमने दोनों लाइंस को कॉपी किया और यहाँ पे हम कहते हैं एंटर डिपार्टमेंट नेम, और यहाँ पे इसी को हम फिर कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद यही लाइन हम किसके लिए लिखेंगे, डेजिग्नेशन के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर डेजिग्नेशन नेम। तो अब यहाँ पे हमारे पास चारों केस मुकम्मल हो गए। अब इसको सेव करके मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी वो भी विजिबल होना शुरू हो जाएगी। तो अब क्योंकि हमने पहले लॉगिन होना है, तो यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मैंने पासवर्ड दिया और यहाँ पे गया, तो देखें अब यहाँ पे सेकंड ड्रॉप डाउन लिस्ट भी शो होना शुरू हो गई है, हाइड हो गई। और इसी तरह हम क्या कर रहे हैं कि हर दफ़ा हम रन टाइम पे इसका टेक्स्ट क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास डेटाबेस में कोई वैल्यू नहीं है, तो इस वजह से क्या है कि एम्प्टी शो हो रही है। तो अब सबसे पहले अब हम बटन क्लिक के इवेंट पे क्या करेंगे, एक कोड लिखेंगे। तो हम यहाँ पे बटन क्लिक पे हम एक इवेंट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे बटन क्लिक पे हमने एक इवेंट लिखा। तो यहाँ पे हम आके सबसे पहले एक स्ट्रिंग लिखते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू इज़ इक्वल टू डी डी टाइप डॉट सिलेक्टेड एटम डॉट टू स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमने चेक किया है कि हम क्या चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे हमने पहले केस में किया है। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का, और उसको इनिशियलाइज़ करवाया मैंने -1 से। अब इसी तरह मैंने टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू क्या की है, गेट की है, और इसको मैंने स्टोर किया है किसमें, नेम वेरिएबल में। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर तो यूज़र हमारे पास टाइप को ऐड करना चाह रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक टेबल टाइप का वेरिएबल बना लूँगा, और इसी तरह सेकंड एक वेरिएबल बनाऊँगा एचटीएमएल का। और इस टेबल टाइप को मैं, टेबल को मैंने इनिशियलाइज़ करवाया किससे, एटम टाइप से, और मैंने आईडी जो दिया वो मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट से ले लिया डी डी कैटेगरी डॉट सेलेक्टेड वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमारे पास सी आई डी आ गया। और उसके बाद यहाँ पे हमने 4 केस लिखने हैं, जैसे हमने ऊपर 4 केस लिखे थे, तो यहाँ पे भी हमने 4 केस लिखने हैं। तो सेकंड केस में अगर वो कैटेगरी ऐड करना चाह रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेबल इज़ इक्वल टू एटम्स कैटेगरी। तो यहाँ पे टेबल्स के नाम आपके पास सेम होने चाहिए, ये हमने चेक करना है। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऐड डिपार्टमेंट तीसरा केस है, और यहाँ पे हमारे पास जो टेबल का नाम होगा वो क्या होगा, डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पर मैंने टेबल का नाम लिखा, ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको एक्सपेंड करते हैं डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे जो है एटम्स टाइप्स है, तो यहाँ पे जाके हम इसका एस लिखते हैं एटम्स टाइप, और यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट्स। तो इसी को तरह मैं इसको चौथे केस के लिए कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर कोई डेजिग्नेशन ऐड करना चाह रहा है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऐड डेजिग्नेशन और टेबल का नाम आ गया डेजिग्नेशंस। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने एक और अपना यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखना है जो कि डेटाबेस में वैल्यूज़ सेव करवाएगा। पहले हम क्या कर रहे थे, गेट कर रहे थे, अब हमने क्या करनी है, सेव करनी है। तो यहाँ पे मैं पैरामीटर पास करवाता हूँ वैल्यू, दूसरा पैरामीटर टेबल और तीसरा पैरामीटर CID। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ क्यूरी और इसको मैं अभी क्या करता हूँ, एम्प्टी रखता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मैं कनेक्शन बनाता हूँ SQL कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन और इसके अंदर मैंने यहाँ पे यूज़र डिफाइंड फंक्शन को कॉल कर लिया। अब इसके बाद कनेक्शन को ओपन किया मैंने और इसके बाद यहाँ पे मैं कमांड टाइप का एक पैरामीटर बनाता हूँ। तो यहाँ पे कमांड टाइप का एक मैंने वेरिएबल बनाया CMD और इसको मैंने नल रखा और इसके बाद मैंने चेक किया कि अगर CID की वैल्यू -1 है तो उस केस में हमने अलग इंस्ट्रक्शन लिखनी है और अदरवाइज़ अगर ये -1 नहीं है तो उसके लिए हमने अलग इंस्ट्रक्शन लिखनी है। अगर तो CID -1 है तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल, यानी कि जो टेबल का नाम होगा, और वैल्यूज़ हम रखेंगे वैल्यूज़ यहाँ पे क्या आएगा, पैरम। यानी कि अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो बाकी 3 टेबल्स थी उनमें हमारे पास एक पैरामीटर है यानी कि एक कॉलम है, और जो हमारे पास एटम्स टाइप है उसके केस में हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे इस वजह से मैं इसको यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया है और इसी तरह हम यहाँ पे इसमें वैल्यूज़ ऐड करवा लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा cmd.parameters.addWithValue, यहाँ पे पैरामीटर का नाम लिखा, उसकी डाटा टाइप लिखी और उसके बाद यहाँ पे उसको वैल्यू दे दी। अब इसको मैं कॉपी करके दूसरे केस में ले आता हूँ और इसमें एक पैरामीटर और ऐड करवा लेता हूँ CID, और इसमें मैं यहाँ पे एक और पैरामीटर ऐड करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे CID पैरामीटर और इसमें मैंने ये दूसरा पैरामीटर की वैल्यू दे दी। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों केस आ गए। अब इसके बाद यहाँ पे इन क्यूरीज़ को हमने क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो अब यहाँ पे अगर कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस एक्सेप्शन के पहले, एक्सेप्शन से पहले हम कनेक्शन को क्लोज़ करेंगे और इसके बाद यहाँ पे अगर एक्सेप्शन नहीं आती तो हम क्या करेंगे, अगर नंबर ऑफ़ रोज़ >0 हैं तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब है कि ये डाटा क्या हो गया है, हमारे पास डेटाबेस में ऐड हो गए हैं। तो अगर तुम्हारे पास >0 है तो रिटर्न ट्रू करवा देंगे, अगर <0 है तो इसका मतलब हमारे पास फ़ाल्स है। अब इसके बाद यहाँ पे कनेक्शन क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे मैंने मैसेज, जो एक्सेप्शन हमें मैसेज देगी उसको मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में स्टोर करवा लिया है। अब जैसे हमने पहले किया था कि डुप्लीकेट हमारे पास डिपार्टमेंट नहीं हो सकते या डेजिग्नेशन डुप्लीकेट नहीं हो सकती, तो वही काम मैं यहाँ पर दोबारा करना चाह रहा हूँ। तो हमारे पास की कोड की एक क्लास थी, तो यहाँ पे मैं 4 वेरिएबल और बना लेता हूँ, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, कैटेगरी और एटम्स टाइप के लिए। तो यहाँ पे मैंने पहला वेरिएबल डिपार्टमेंट के लिए बनाया, दूसरा डेजिग्नेशन के लिए बनाया, तीसरा जो हमारे पास है यानी कि यहाँ पे कैटेगरी के लिए एक बना लिया वेरिएबल और उसकी टाइप मैंने रखी स्ट्रिंग, और इसके बाद यहाँ पर जो लास्ट पर हम एक और वेरिएबल बनाते हैं और इसको मैं नाम देता हूँ एटम टाइप, और इसको भी मैंने ये 4 वेरिएबल बना लिए। अब इसमें मैं हर एक मैसेज को देखता हूँ कि कहीं ये डुप्लीकेट तो नहीं है, अगर ये डुप्लीकेट होंगे तो हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाएंगे कि आपके डेटाबेस में ऑलरेडी डिपार्टमेंट, लेट्स सपोज आगे पहले हमारे पास डेटाबेस में कंप्यूटर साइंस पढ़ा है तो अब हम दोबारा से कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को ऐड नहीं करने देंगे। अब इसी तरह हम यहाँ पर एल्स केस लिखेंगे कि अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई डेजिग्नेशन पड़ी है यानी कि लेक्चरर ऑलरेडी पढ़ा है तो हम दोबारा से लेक्चरर्स को अपने डेटाबेस में ऐड नहीं करने देंगे। तो यानी कि यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि कोई अगर यूनिक की वायलेशन करेगा तो हम यूनिक की वायलेशन को यहाँ पे गेट करके मैसेज प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे पहले केस में हमारे पास डिपार्टमेंट था, दूसरा हमारे पास डेजिग्नेशन, तीसरा हमारे पास क्या है, कैटेगरी था, और यहाँ पर कैटेगरी आ गया। तो यहाँ पर हम कहेंगे कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द सिस्टम, और इसके बाद हमारे पास लास्ट पे हमारे पास था यहाँ पे एटम टाइप। तो यहाँ पे मैंने लास्ट पे लिखा की को डॉट एटम टाइप और यहाँ पे मैंने मैसेज प्रिंट करवाना है एटम ऑलरेडी प्रेजेंट इन सिस्टम। तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 केस मुकम्मल हो गए। अगर इन 4 में से कोई केस भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, फ़ाल्स रिटर्न करवा देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये बटन क्लिक का इवेंट भी हमारे पास मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पे इस फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉल करता हूँ हेल्पर एटम्स डॉट ऐड टू डीबी, और यहाँ पे पहला पैरामीटर मैंने पास किया, दूसरा और तीसरा। अब इसके बाद अगर ये मैसेज हमारे पास क्या है, ट्रू है, तो इसका मतलब है कि डाटा ऐड हो गया है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सक्सेस मैसेज प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे हम सक्सेस मैसेज में लिखते हैं कि यहाँ पे नेम लिखेंगे जो चीज़ हम ऐड करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे नेम पहले कंकैटिनेट करेंगे, नेम प्लस यहाँ पे हमने जो पैरामीटर में भेजना है यहाँ पे नेम, तो ये वाली वैल्यू नहीं भेजनी, हमने क्या भेजना है, पैरामीटर भेजना है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे नेम इज़ स्टोर्ड इन द सिस्टम, यानी कि अगर मैं नेम में कंप्यूटर साइंस पढ़ा होगा तो मैसेज आएगा कंप्यूटर साइंस इज़ स्टोर्ड इन द सिस्टम। अब इसके बाद अलर्ट मैसेज में हम क्या करेंगे, इस मैसेज को शो करवा देंगे और इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, एम्प्टी कर देंगे। इसी तरह हम अगर ये केस फाल्स आता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाएंगे, एरर मैसेज प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एरर मैसेज को कॉल करता हूँ और यहाँ पे मैं मैसेज थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सॉरी, यहाँ पे इस मैसेज को हम लिखते हैं सॉरी, यहाँ पे सॉरी ट्राई अगेन। तो यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर दोनों केस नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो भी एक्सेप्शन आएगी उस एक्सेप्शन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे हमने सारे केसेस को देख लिया। अब हम यहाँ पे इसको सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब यहाँ पे ईमेल दी मैंने, पासवर्ड दिया यहाँ पे, और यहाँ पे लॉगिन करके मैं ऐड टू डेटाबेस जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट ऐड करता हूँ, यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम मैंने रखा कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे मैंने सेव पे क्लिक किया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा लिया। अब यहाँ पे आके मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पे इसको स्टेप ओवर करते हैं तो ये कहेगा कि आप यूनिक की वायलेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस पढ़ा है। तो यहाँ पे जो कोड है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास की कोड था यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ हमारे पास की कोड आ गया। अब इसको मैं इसी तरह डेजिग्नेशन के केस में भी मैं क्या करता हूँ, लेक्चरर। तो अब यहाँ पे मैं ये देखें, ये कह रहा है कि लेक्चरर भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो अब यहाँ पे इसको भी मैं की कोड को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे ये की कोड दे देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास दो आ गया, डिपार्टमेंट भी आ गया और डेजिग्नेशन भी आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तीसरा केस में स्टॉप करके दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ इसको। तो यहाँ पे हम यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड दिया और उसके बाद यहाँ पे ऐड टू डेटाबेस में जाते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एटम कैटेगरी और उसमें कंप्यूटर्स ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे एक पहले नहीं है तो ये क्या हुआ कि मैसेज आ गया। अब दोबारा से यही कंप्यूटर्स ऐड करने की कोशिश करूँगा तो फिर क्या कहेगा कि ये आप यूनिक की वायलेशन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे कैटेगरीज़ के केस में जाके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब हमारे पास ये भी कोड आ गया। अब लास्ट में हमारे पास रहता है एटम्स टाइप। तो अब यहाँ पे हमारे पास एटम्स टाइप के लिए हम की कोड को देखते हैं कि क्या आएगा। अब यहाँ पे ईमेल दिया, पासवर्ड दिया और इसके बाद डेटाबेस। अब यहाँ पे एटम्स टाइप और यहाँ पे मैं हार्ड डिस्क ऐड करवाता हूँ। तो यहाँ पे ये पहली दफ़ा सेव हो जाएगी। अब दोबारा से हार्ड डिस्क सेव करवाता हूँ तो ये यूनिक की वायलेशन हो रही है। तो अब यहाँ पे इस कोड को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पे आके इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे इसको मैं ड्रॉप ब्रेक पॉइंट को मैंने डिलीट कर दिया और इसके बाद दोबारा से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब हमारे पास चारों के चारों कोड आ गए हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास कोई डुप्लीकेट वैल्यू एंटर करेंगे तो हमें एंटर नहीं करने देगा। अब इसके बाद यहाँ पे आता हूँ और मैं डिपार्टमेंट यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ऐड करता हूँ। तो वो कह रहा है कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ऑलरेडी यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे आप चेक कर लेते हैं कि ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस है या नहीं। तो अब यहाँ पर आएँ तो अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कंप्यूटर साइंस ऑलरेडी है, तो इस वजह से हमें यहाँ पर ऐड नहीं करने दे रहा। अब यहाँ पर मैं लेट्स सपोज फिजिक्स ऐड करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फिजिक्स लिखा तो फिजिक्स क्योंकि नहीं है तो यहाँ पे इसने फिजिक्स को हमारे पास सेव करवाने दिया। अब इसी तरह मैं डेजिग्नेशन को ऐड करवाता हूँ तो यहाँ पे लेक्चरर क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास है तो ये कह रहा है कि लेक्चरर क्या है। यहाँ पे स्पेस का इशू है तो स्पेस आप ठीक कर लें। यहाँ पे तो यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा इशू, यहाँ पे स्पेस दे लें और यहाँ पे स्पेस दे लें तो ये स्पेस का इशू सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं दोबारा से इसको रिफ़्रेश करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे मैं लैब इंजीनियर लिखता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं अगर सेव करूँगा तो लैब इंजीनियर को क्या किया, यहाँ पे ऐड करने दिया। अब इसी तरह हमारे पास एटम्स कैटेगरी को ऐड नहीं करने दे रहा। अब यहाँ पे मैं दूसरी एटम कैटेगरी यानी फर्नीचर ऐड करता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको ऐड करूँगा तो फर्नीचर ऐड करने दे रहा है। अब इसी तरह मैं एटम्स कैटेगरी और फर्नीचर और यहाँ पे मैं कंप्यूटर टेबल ऐड करता हूँ तो यहाँ पे हमें कंप्यूटर टेबल ऐड करने दे रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं और अगर आप चाहते हैं कि आपको नई आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें और खुश रखें। थैंक यू वेरी मच।